जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी बिहार की है, लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से संचालित संस्थान ESIC की तरफ से इसको अपडेट किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या होगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और ये क्या वैकेंसी के लिए आपको कोई एग्जाम देना है, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इन शॉर्ट सभी डिटेल आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी और अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आवेदन करने की प्रक्रिया भी जरूर बताई जाएगी। दोस्तों, हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में जानकारी अपडेट की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, और ये बिहटा पटना के लिए, यहाँ पे देखिएगा तो ये बिहटा पटना के लिए अपडेट की गई है। नोटिस यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर, तो सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। दोस्तों, हमने इसका एडवर्टीजमेंट जो संख्या 10 है इसको डाउनलोड कर लिया है। 17 अगस्त को ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो अपडेट आया है दोस्तों, ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये संचालित होता है। लेकिन वैकेंसी देखिए बिहार की है, बिहार के हॉस्पिटल बिहटा में अपडेटेड है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका जो आवेदन करने का प्रोसीजर है, इन शॉर्ट यहीं पे दे दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वैकेंसी दी गई है। पीरियड ऑफ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, वेरियस डिसिप्लिन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, बाकी सारी जानकारी इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है। और अभी आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं हु वांट टू अपियर इन दिस इंटरव्यू, क्योंकि देखिए कोई एग्जाम तो नहीं है, सीधे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है, मस्ट सेंड योर स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एक दिया गया है, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए और इस दिए गए ईमेल आईडी पे, ये मैं ईमेल आईडी का डिटेल जो है आपको लिख के भी दे दूंगा अपने एजुकेशन की के वेबसाइट पे, keeducation.in पे, तो वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इस लिंक जीमेल पे जो है आपको 7 सितंबर से पहले अपने को आवेदन कर लेना, यानी कि भेज देना है। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट का जो है यहाँ पे शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको जो अभी डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बोला जाएगा, यानी कि फीस जो लिया जा रहा है, वो डिमांड ड्राफ्ट आपका जब आपको इंटरव्यू होगा उस समय आपसे ले लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जानकारी दे दे कि ये ऑफलाइन जो है मोड का इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू जो है, यानी कि जो वैकेंसी है ऑफलाइन मोड पे होगी, यानी कि आपका सीधे इंटरव्यू होगा। अब देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, तो पहले जानकारी यहाँ पर देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी और साइकेट्रिस्ट, टीबी एंड चेस्ट, जनरल सर्जरी एंड एनेस्थीसियोलॉजी एंड द इमरजेंसी मेडिसिन, PMR एंड द स्टैटिस्टिशियन। नोट कर लीजिएगा, ये सभी 14 तरह के विभागों में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। कुल वैकेंसीज की बात कर ले तो मात्र 18 पद की ये वैकेंसी है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट है 17 अगस्त से आवेदन करने का, लास्ट डेट है 7 सितंबर को आवेदन करने का। 30 सितंबर जो है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि क्वालिफाइंग डिग्री जी इसमें जो है आपकी होनी चाहिए, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में उसमें अगर आपने अपना क्वालिफिकेशन किया है। तो टेंटेटिवली 3 वीक जो होगा सितंबर का ये इंटरव्यू होगा, यानी कि 3rd वीक जो होगा सितंबर का उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू डेट दे दिया गया है। ईमेल एड्रेस पे आपको क्या करना है कि इसमें अपना डिमांड ड्राफ्ट सेंड करना है, फोटोकॉपी और अटैच करना है इस फॉर्म के साथ। एक फॉर्म दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा तो है ना, एक फॉर्म दिया गया है यहाँ पे जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वाले सेक्शन में। इस वेब पेज पे जाना है और यहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट जो है आपको इसके अपडेट किए जाएंगे। खैर, यहाँ पे आपको बता दें कि 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट इस के नाम से बनेगा, थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ ESIC हॉस्पिटल बिहटा, और ये पेएबल एट बिहटा पटना SBI ब्रांच कोड का दिया गया डिटेल। जो जनरल कैटेगरी में है, OBC में है, EBC में, वही लोग आवेदन करेंगे इसके लिए यहाँ पे फीस लगाकर। लेकिन जो SC ST या ESIC के एम्प्लॉई हैं या PH कैंडिडेट है या एक सर्विसमैन है, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो जैसे एडमिट कार्ड में आपको इसके लिए डिटेल में आपको बता देंगे,
टेंथ का सर्टिफिकेट का जो कि डेटेड डेट ऑफ बर्थ के लिए लगेगा, एडमिट कार्ड उसका, और मार्कशीट ऑफ एमबीबीएस अगर आप एमबीबीएस किए हैं तो, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट एमबीबीएस, डिग्री सर्टिफिकेट एमबीबीएस, मार्कशीट ऑफ एमडी एमएस डीएनएम अगर आप कोई कर रहे हैं तो, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर एमडी एमएस डीएनएम का है तो कोई एग्जाम दिए हैं तो, वैलिड ओबीसी या एबीसी या एससीएसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनवाया गया हो, स्टेट एनएमसी मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर आप इसमें इसी में जॉब कर रहे हैं तो, आधार कार्ड भी लगेगा, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मांगे गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा है, इंटरव्यू दीजिए और नौकरी पाइए। तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड एकेडमिक क्रेडेंशियल जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, और इंटरव्यू के दौरान वो सारा चीज चेक होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। और सिलेक्शन करने के बाद आपका जो सारा डिटेल है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे दिखेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ, ये वेबसाइट ये यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक का पहले तो डीडी बनवा लेना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट 500 का बनवा लेना है। एट पेएबल कहाँ होगा, तो बेटा पटना इसके ब्रांच के लिए होगा, ये जहाँ पे जानकारी दी गई है, और इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहां से इसको देख सकते हैं। ये एक्चुअली एक साल का जॉब कॉन्ट्रैक्टेबल जॉब है, और सैलरी की बात की गई यहाँ पे तो 67,700 की बेसिक सैलरी मिलेगी, है ना, इसमें कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा चूंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एज पर एनएमसी एमसीआई गाइडलाइन, यानी कि ये मेडिकल सेक्टर का ये गाइडलाइन है, जिसमें कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि है स्टैटिस्टिशियन का जो है, इसके लिए एमएससी स्टैटिस्टिक्स आपका होना चाहिए और पीएचडी साथ में होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन यानी कि जो उसके लिए पोस्ट है, कैंडिडेट विद द एमएस एमडी डीएनए इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, एंथीसिया विद द एक्सपीरियंस एज पर द एनएमसी आर कॉल्ड एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर द पीएमआर कैंडिडेट विद द एमडी डीएनए और मेडिकल जनरल मेडिसिन विद द डिप्लोमा इन द पीएमआर एंड ओनली एमएस डीएनए इन द जनरल स्टाफ। मतलब कि इन सब के लिए जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट दिया गया है डिपार्टमेंट में, उनमें अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनमें एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, आपको आवेदन 30 सितंबर मतलब कि 7 सितंबर से पहले कर लेना है। 30 सितंबर से पहले आपका एज क्वालिफाई जांचा जाएगा, मतलब आप 70 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, और इसमें फोटोग्राफ अपना डालना है, और सारे जो पीडीएफ है उसको डॉक्यूमेंट्स उसको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है स्कैन करके बना के उसको अटैच करना है यहाँ पे इसके फॉर्म के साथ, इसके नोटिफिकेशन के साथ अगर कहें तो यहाँ पे। और ये जो फॉर्म मिलेगा आपको इसके वेब पेज पे आइएगा तो यहाँ पे तीसरे नंबर का जो सेक्शन है यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, साथ ही साथ इसी के साथ आपको सारा चीज अटैच करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है फॉर्मेट आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपको एक अपना फोटो रिसेंटली वाला जो चिपकाना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में होने चाहिए, और उसमें सेल्फ अटेस्ट करके ही इसको स्कैन कीजिएगा उसको, फिर उसके बाद वहाँ पे उसको अटैच कीजिएगा। एडवर्टीजमेंट संख्या है यहाँ पे देखिएगा, तो आपको यहाँ पे 10 लिखना होगा क्योंकि ये 9 वाला दिया गया है यहाँ पे। पोस्ट का नाम क्या है, किसके लिए, डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर आपको ये ऑफलाइन मोड छोड़ देना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको यहाँ पे, कैटेगरी क्या है आपको वो बताना है यहाँ पे, कास्ट कौन सा है कैटेगरी में ये बताना है, साथ ही साथ आपका जो है पोस्ट एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे आपको बताना है, कैटेगरी कौन सा है आपका ये बता देना है, फिर अपने क्वालिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी, टेंथ से लेकर पीएचडी तक अगर आप लोग किए हैं या एमएस एमडी किए हैं तो वहाँ तक का देना है, एक्सपीरियंस यहाँ पे उसके बारे में डिटेल देना होगा, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन जैसे कि एनएमसी जिस जहाँ से आपने अपना कोर्स किया है उसके बारे में जानकारी देनी होगी यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना देना होगा, नेम ऑफ स्टेट जो कि स्टेट से आपने अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन लिया है वहाँ का देना होगा, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट नंबर अपना, है ना, और ईमेल एड्रेस, और अपना एक पोस्टल एड्रेस, और पोस्ट ऑफिस कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, पिन कोड क्या है, ये सारी जानकारी, साथ में एम्प्लॉय हैं कहीं पे अभी, डिजिग्नेशन पे किस पे है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है, ये सारी जानकारी यहाँ पे देनी होगी, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, और यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, मदर टंग क्या है आपका, आधार नंबर अपना देना होगा यहाँ पे,
पैन नंबर है तो जरूर दे दीजिएगा यहाँ पे, साथ ही साथ आईडेंटिटी मार्क्स कोई है अगर चेहरे पे आपका तो बताइएगा। इंटरव्यू जो है आपको फीस लिया जाएगा, यहाँ पे 500 रुपये दीजिएगा और डीडी नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी डीडी है। अब जब इंटरव्यू देने जाएंगी आपको ओरिजिनल डीडी साथ में लेके जाना होगा, इशू डेट यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे इशू बैंक का नाम डालना होगा और ब्रांच का नाम डालना होगा, फिर आई डिक्लेरेशन पे साइन कर लीजिएगा यहाँ पे। और साइन करने के बाद जो है इस फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे साथ में अटैच करना है, पीडीएफ भी अटैच करना है और डीडी भी अटैच कर देना है फोटोकॉपी करके, और इसको मेल आईडी पर भेज देना है। किस मेल आईडी पर भेज देना है आपको, तो ये दिया गया है यहाँ पे, देखिए इस ईमेल आईडी पर। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया ना, ये देखिए ये जो है आपका डीन dean.beheta@gmail.com, ठीक है, ये है आपका ईमेल आईडी, इस पे आपको भेज देना है 7 सितंबर से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और डीडी के साथ। तो ये आपको जानकारी है दोस्तों यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी को लेकर हमने जानकारी आपको संपूर्ण दी है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। जय हिंद।